मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही, क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। चेहरा और चेहरे का सौंदर्य बहुत मैटर करता है। अक्सर हम सोचते हैं एवरीबडी इज़ बॉर्न ब्यूटिफुल, बट ब्यूटी इज़ मेड, ब्यूटी इज़ क्रिएटेड। और साथ में हमने ये भी सुना है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने मन के सौंदर्य से तन के सौंदर्य को बनाते हैं। जितना सुंदर हमारा मन होता जाता है, उतना ही सुंदर हमारा तन भी होता जाता है। और यदि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, तो नियमित योगाभ्यास से हम अपने मन और तन दोनों को सुंदर बना सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्लिम फेस की। बहुत लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि उनका चेहरा, बॉडी उनकी ठीक है, बॉडी बहुत हैवी नहीं है, लेकिन चेहरा हैवी है, जिस वजह से वो मोटे दिखते हैं, जिस वजह से वो हैवी दिखते हैं। कुछ ऐसी आसान सी फेशियल प्रैक्टिसेस ऑफ योग जिनका आप नियमित अभ्यास करके अपने चेहरे को पतला कर सकते हैं, चेहरे को स्लिम कर सकते हैं, चेहरे को शेप में ला सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने आपके साथ ये भी साझा किया था कि किस प्रकार से डबल चिन की समस्या से भी आप अपने आप को योगाभ्यास के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं, यानी डबल चिन को गुड बाय कह सकते हैं। वो तो आप करें ही करें, साथ में फेशियल, फेस को स्लिम करने के लिए हम क्या करेंगे वो आइए सीखते हैं। दिन में आप 2 से 3 बार इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधा रखते हुए बैठना और अपने गालों में हवा को भर लेना, और फिर हवा को गालों में भरे भरे राइट और लेफ्ट मूव करना। दस दस बारह पैसा करेंगे। दूसरे स्टेप में इसी प्रकार से गालों में हवा को भरना और उसे सर्कुलर मूवमेंट देना, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। दस बार ऐसा करें। तीसरे स्टेप में अपने चेहरे से अपने साइड्स को स्ट्रेच करना और रिलीज कर देना। अगले स्टेप में इस प्रकार से आगे की ओर पुश करना, और जब आप ऐसा करेंगे तो चीक्स पर और गर्दन के साइड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। और अंतिम स्टेप में इसी स्टेप को हम गर्दन ऊपर करके, सर ऊपर करके दोहराते हैं, यानी इस स्थिति में आना। गर्दन को सीधा कर देना। ये छोटे छोटे सिंपल से स्टेप्स आप दिन में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। याद रखिए, हम अपने चेहरे को, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करते हैं, बेंड भी करते हैं, मोल्ड भी करते हैं, ट्विस्ट भी करते हैं, लेकिन अपने चेहरे के लिए बहुत कुछ नहीं करते। खास तौर पर जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, उसमें हम बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं, जिससे हमारे मानसिक विकार भी दूर होते हैं, मानसिक समस्याएँ भी दूर होती हैं। लेकिन जब हम इन फेशियल एक्सप्रेशंस को करते हैं तो हमारे फेस भी शेप में आ जाता है। पर सभी लोग तो शास्त्रीय नृत्य की साधना नहीं करते, इसलिए उनके लिए खास तौर पर ये कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस हमने आपसे साझा करी। इनका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और जाने से पहले हमारे नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। अगर आप भी अपने फेस को स्लिम रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो अपना पॉस्चर ठीक रखें, यानी कमर तो सीधी रखें ही रखें, चेहरा भी। अक्सर हम गर्दन को ऐसे आगे झुका लेते हैं, ऐसे झुका करके रखते हैं,
गर्दन को सीधा रखें और पीछे की तरफ, ये आपका फेस का पॉस्चर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल के यूज़ से बचिए अगर आप चेहरे को स्लिम रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो हमारे जो फेस की स्किन है वो लटक जाती है और वो फिर यू नो आयु से पहले भी हम बूढ़े लगने लगते हैं, हमारे फेशियल ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो अपने चेहरे को, अपने पॉस्चर को सीधा रखें, मोबाइल के यूज़ से बचें, पानी खूब पिए, ये बहुत आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी ये कि आप प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताएं, अपने गैजेट्स के यूज़ को कम कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, योगी बने उपयोगी बने। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.